गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर 4, पीपल हु हेल्प अस। इस चैप्टर में जो लोग हमारे किसी भी रूप में या तरीके से हमारी मदद करते हैं, वो उनके बारे में हम जानेंगे कि वो कौन कौन ऐसे लोग होते हैं। पहला है फार्मर। फार्मर्स हमें आप सभी लोगों को तो पता है कि भोजन हमारे जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, और इस सबसे ज़रूरी पार्ट को, मतलब यानी कि फूड को, भोजन को, फार्मर अपने फील्ड्स में उगाते हैं। वो इन्हें अनाजों के रूप में, मतलब कि फूड ग्रेन्स, फ्रूट है और वेजिटेबल्स को हमारे लिए उगाते हैं। दूसरा डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स हमको स्वस्थ रखने में हमारी मदद करते हैं। वे जब हमें चोट लग जाती है या बीमार हो जाते हैं, किसी कारण से हमको हर्ट होता है, तो हमको ट्रीटमेंट देते हैं जिससे हम जल्दी जल्दी ठीक हो सकें। वे क्लिनिक और हॉस्पिटल में वर्क करते हैं। और पेडियाट्रिशियन भी एक डॉक्टर होते हैं जो बच्चों को ट्रीटमेंट देते हैं। तीसरा है टीचर्स। बहुत सारी चीज़ें अपनी टीचर से सीखते हैं। वे हमें लिखना और पढ़ना सिखाते हैं। वे साथ में हमें अच्छे मैनर्स और हैबिट या आदतें सिखाती हैं, अच्छी आदतें सिखाते हैं। जैसे हम कहीं पे भी जाएं या स्कूल में बिहेव कैसे करना है, या कहीं पे किसी से बात करनी है तो किस तरह से हमको बात करनी चाहिए, किस तरह से वेल मैनर बिहेव करना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें स्कूल में टीचर सिखाती हैं। हाउस होल्ड हेल्पर्स। हाउस होल्ड हेल्पर्स मीन्स जो हमें रोज के घर के कामों में मदद करती हैं, और वे हमें अपने घर को साफ सुथरा रखने में मदद करते हैं। आप लोग भी घर के कुछ लोग हाउस होल्ड वर्क करने के लिए आते होंगे, जैसे साफ सफाई के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, और भी बहुत सारे काम, जैसे कुकिंग के लिए भी कुछ लोगों को काम करने के लिए बुलाया जाता है, तो वो भी क्या है, हाउस होल्ड हेल्पर में आते हैं। कम्युनिटी क्लीनर्स। कम्युनिटी क्लीनर्स कीप अवर सराउंडिंग क्लीन्स। कम्युनिटी क्लीनर्स हमारे चारों ओर साफ सफाई रखते हैं। वे हमारे घरों से गार्बेज को कलेक्ट करते हैं, साथ में वे हमारी सड़कों और एरिया को भी साफ रखते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ऐसा डेडिकेशन वाला काम करते हैं जिससे हम लोगों को कोई भी बीमारी ना हो या हम कोई डिसीज़ से बचे रहें, क्योंकि जब तक साफ सफाई हमारे चारों तरफ नहीं रहेगी तब तक हम बीमार कम पड़ेंगे। नेक्स्ट है फायर फाइटर। फायर फाइटर्स जहाँ जिस एरिया में भी आग लग जाती है, वो अपने फायर इंजन की मदद से आग को बुझाते हैं, और साथ में उन लोगों की भी मदद करते हैं जो अगर वहाँ फंस जाते हैं या किसी कारण से वो निकल नहीं पाते हैं उस जगह से, तो वे अपनी परवाह ना करके दूसरों की जान को भी बचाते हैं। ठीक है। पुलिस हम लोगों को सेफ रखती है। वे चोरों को पकड़ती है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने का भी काम करती है। जो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं उसे ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, जो कि आप देखे होंगे कि सड़कों में चौराहे पर वहाँ पर वाइट यूनिफॉर्म में पुलिस खड़ी रहती है और इशारे करके गाड़ियों को रुकने और चलने का निर्देश इंस्ट्रक्शन देती रहती है। जाने के लिए किसी भी साइड में आना जाना होता है ये बताती रहती है। ये तो कुछ लोगों के बारे में जानकारी है जो हमारे किसी न किसी रूप में हमारी मदद करते हैं। इन सब के अलावा भी और भी बहुत सारे लोग होते हैं, पीपल होते हैं जो हमारी मदद करते हैं, जैसे कारपेंटर, मिल्कमैन, पोस्टमैन, लेबर एक्सेट्रा, ये सब भी हमारे हेल्पर्स हैं। तो ये सब किसी न किसी रूप में हम लोगों की हेल्प करते रहते हैं। ठीक है। ओके, दिस इज चैप्टर 4, पीपल हु हेल्प अस। ओके क्लास, थैंक यू।